हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पालक डाइट प्लान। इस डाइट में सारी रेसिपीज़ इजी, क्विक और बहुत ही डिलीशियस बनता है। साथ ही साथ हर दिन 30 मिनट वर्कआउट के साथ अगर ये डाइट फॉलो करेंगे तो 10 दिन में आपको अनबिलीवेबल फ़र्क नज़र आएगा। हाँ, पर डाइट प्लान को सही तरीके से फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि जंक फूड को टोटली अवॉइड करना है, बहुत सारा पानी पीना है अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह सबसे पहले एक नींबू का रस निचोड़ के गर्म पानी के साथ मिला के वो ले, या फिर आप टर्मरिक टी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट, 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट में लेना है पालक भुर्जी, साथ में एक कप ग्रीन टी और एक एप्पल। पालक भुर्जी बनाने के लिए पैन में एक चम्मच बटर डाल दें और इसमें एक टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल के कुछ सेकंड्स भून लूँगी। अब बटर के बदले में एक चम्मच देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैं बेल पेपर्स डाल दें। अगर आपके पास रेड और येलो बेल पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून ओट्स डाल दिया और ओट्स के साथ इसको 1 से 1.5 मिनट भून लूँगी, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। अब मैं फ्रेशली कटा हुआ पालक की पत्तियाँ डाल दिया। पालक की पत्तियाँ थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये जब कुक हो जाता है तो ये क्वांटिटी में बहुत ही कम हो जाता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनूंगी, तो 1 से 1.5 मिनट तक इसे भून लूँगी। ये देखिए, ये अभी क्वांटिटी में बहुत ही कम हो गया, तो ये अच्छे से रोस्ट हो गया। अब मैं इसमें एक अंडे को अच्छे से फेंट के डाल दूँगी। आप अंडे के बदले में, जो लोग अंडे नहीं खाते उसके बदले में आप 50 ग्राम्स पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। ये एग के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और पनीर के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। और लास्ट में मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा, और सिनेमन पाउडर। तो फ्लैक्स सीड पाउडर बनाना घर पे बहुत ही आसान है, मैं पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ आपसे। फ्लैक्स सीड को थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के आप कंटेनर में रख सकते हैं, तो ये बहुत दिन तक जाता है। और आप खाने में यूज़ करें तो ये वेट लॉस करने में हमें मदद करता है। तो ये देखिए, हमारा भुर्जी तैयार है। ये हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा बनाने में, बहुत ही आसान रेसिपी है। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद 2 क्यूकम्बर लेना है। अब छिलका समेत भी ले सकते हैं या फिर छिलका को हटा के भी ले सकते हैं, पर इसे ज़रूर लेना है। अब आते हैं लंच में। लंच में लेना है पालक राइस, पर इसमें मैं राइस नहीं यूज़ करूँगी, उसके बदले में कुछ और यूज़ करूँगी। ये भी मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत 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 ही डिलीशियस है। तो इसके लिए मैं पनीर का पीसेस निकाल लूँगी और कुछ सब्जियाँ काट लूँगी। तो मैं यहाँ पे ग्रीन, रेड, येलो बेल पेपर्स चॉप कर लूँगी। आप इसमें फ्रेंच बीन्स और कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। 1/2 प्याज, 2 ग्रीन चिली, 2-3 क्लोव्स गार्लिक और कुछ पालक की पत्तियाँ भी चॉप कर लूँगी। पालक की पत्तियाँ ज़्यादा यूज़ करना है। और इसको पालक राइस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल राइस के जैसा है। आप जब खाओगे तो आप समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें राइस नहीं है। तो इसके लिए पैन में 1 चम्मच बटर डाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। जीरा को कुछ सेकंड्स भून लूंगी, फिर इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, प्याज और ग्रीन चिली डाल के कुछ सेकंड्स और भून लूंगी। फिर मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ बेल पेपर्स और इसको 30-40 सेकंड्स तक भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, ये भी बहुत ही क्विक रेसिपी है। और अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं पालक की पत्तियाँ, तो ज़्यादा पालक की पत्तियाँ यूज़ करें, और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिला दूँगी। और 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद देखना, ये पालक की पत्तियाँ सॉफ्ट हो गया। और पालक पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये हम सभी जानते हैं। अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो है कुक किया हुआ दालिया, और यही लाएगा हमारा ये डिश में राइस का टेस्ट। कुक किया हुआ दालिया का रेसिपी आप मेरे चैनल पे देखे हैं। 1/2 कप दालिया को उबाले, इसे ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं, तो उबालने के बाद जो पानी है उसे छान लीजिए और वो दालिया को इसमें डाल दे। और इसमें मैं पनीर का पीसेस भी ऐड कर दिया 100 ग्राम, और इसके साथ इसको 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर पका ले और लगातार चलाते हुए फ्राई करें ताकि ये नीचे से ना जले। तो जो लोग राइस के बिना नहीं रह सकते वो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप राइस नहीं खा रहे हो। ये भी मस्ट मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इसे। और लास्ट में मैं इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। आप चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, ये कितना डिलीशियस बना है, दिखने में लग रहा है और खाने में भी
बहुत बहुत ही डिलीशियस है, ट्रस्ट मी गाइस। तो इसे आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में ले जा सकते हैं, पर इसके साथ आपको 100 ग्राम दही भी लेना है, लो फैट दही लेना है। आप घर पे भी बना सकते हैं लो फैट दही, या फिर आप मार्केट में लो फैट दही मिलता है उसे आपको ये एक बोल दालिया के साथ उसे लेना है। और मेरे सारे बंगाली व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं जल्दी मेरे बंगाली चैनल रिमिस टिप्स एंड ट्रिक्स में भी ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो मैं मेरे बंगाली चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे बंगाली चैनल नहीं देखा है। तो सब्सक्राइब करें बंगाली में अपडेट्स मिलने के लिए। नेक्स्ट इवनिंग स्नैक, 2 शुगर फ्री बिस्किट या फिर 1 स्मॉल बोल रोस्टेड चना के साथ 1 कप ब्लैक टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। एंड द लास्ट मील ऑफ द डे डिनर, डिनर में लेना है पालक की सूप। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले ये सारे रेसिपीज़ घर पे ट्राई करें, फिर डाइट प्लान स्टार्ट करें, क्योंकि ये सारे रेसिपीज़ बहुत ही डिलीशियस है, आपको डाइट प्लान फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, जीरा को थोड़ा सा भून लूँगी, फिर इसमें चॉप किया हुआ गाजर और फ्रेंच बीन्स डाल दूँगी और इसे 1 से 1.5 मिनट सॉटे कर लूँगी। हाई फ्लेम पर सॉटे करूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और चॉप किया कैप्सिकम, ग्रीन चिली डाल दूंगी, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर डाल दूंगी और इसे सॉटे करूंगी। फ्राई करने के बाद जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब इसमें पालक की पत्तियां डाल दें। इसमें भी पालक की पत्तियां ज़्यादा यूज़ करूंगी और पालक की पत्तियां में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये वज़न घटाने में बहुत ही मदद करता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए पालक डाइट प्लान लेके आई हूँ। तो ये देखिए, अभी इसमें मैं 1 कप बॉयल किया हुआ दाल डाल दिया। मैं यहाँ पर मूँग की दाल यूज़ किया, आप यहाँ पर चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रीन मूँग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। दाल को 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। अब दूसरे गैस में 2 टेबलस्पून ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए 2-3 मिनट बाद दाल काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये अभी पक चुका है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन का जेस्ट, तो आप कोई सा भी लेमन यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा घिस के इसका जेस्ट निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया और साथ में चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। लेमन जेस्ट को ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ही डिलीशियस आता है, बंगाली में इसे गोंधोलेबू बोलते हैं। तो उसका जेस्ट मैं ऐड किया, आप कोई सा भी लेमन जेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दाल अभी पक के तैयार है, इसको एक बोल लेना है और मैं जो ओट्स को रोस्ट करके रखी थी उसे मैं इसमें मिला दूंगी। आप दाल में भी डाल सकते हैं पर मैं इसे ऐसे मिला के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये भी बहुत ही डिलीशियस है, मस्ट ट्राई रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।